ऐसा लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से मौसम कितना खुशनुमा हो जाता है ना? तू तो बारिश का नाम भी मत ले, मुझे तो बारिश के नाम से ही डर लग रहा है। पता है बारिश हम गरीबों के लिए कितनी मुसीबत लाती है? हमारे घर की छत बारिश शुरू होते ही टपकने लगती है। मुझे तो डर है कहीं इस बार की बारिश से हमारे घर की छत ही कहीं ना टूट जाए। ओफो, तू भी ना प्रिया बड़ा डरती है। बड़ा घर की छत इतनी कमजोर थोड़ी ना होती है जो बारिश के आने से ही टूट जाए। अच्छा यार प्रिया, अब मैं चलती हूँ, बारिश आने वाली है लगता है। प्रिया भी अपने घर लौट आती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो घर पहुँचती है और देखती है कि उनकी छत टपकने लगी है। हे राम, ये लो, बारिश शुरू हुई नहीं कि इस छत ने फिर से टपकना शुरू कर दिया। आने दे तेरे बाबा को प्रिया, आज ही उनसे कहकर ये छत ठीक करवाती हूँ। अरे नहीं माँ, बाबा को छत ठीक करने के लिए मत बोलना, कहीं बारिश में पिताजी का पैर फिसल गया तो। अरे तो मैं कौन सा उनको अभी ठीक करने के लिए कहूँगी, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं उनको ठीक करने के लिए कहूँगी। शाम को मनोहर घर आता है। अरे आप तो पूरी तरह भीग गए, जाइए पहले कपड़े बदल लीजिए नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं आपके लिए चाय रख देती हूँ। मेरी छोड़ो, लेकिन ये बताओ ये छत फिर से टपकना शुरू हो गई ना? हाँ फिर वही हाल हो गया, अभी सारे घर में पोछा लगाया है। एक काम करो, जल्दी से चाय बना दो, उसके बाद मैं छत ठीक कर दूंगा। चाय पीते ही मनोहर बाहर सीढ़ी लगाकर छत पर जाकर छत की मरम्मत करने लगता है, लेकिन बारिश होने की वजह से छत पर फिसलन हो गई, जिस कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर प्रिया और शांति बाहर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ मैंने मना किया था ना बारिश में बाबा को छत पर मत जाने दो, अब लग गई ना चोट। अरे अब दोनों लड़ती ही रहोगी या मुझे अंदर भी लेकर जाओगी? जैसे तैसे वो दोनों उसे अंदर लेकर आती हैं। फिर प्रिया अपने बाबा की कमर पर मरहम लगाती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। रात में वो तीनों अपने कच्चे घर में सो ही रहे थे कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब उनकी छत से हर जगह से पानी टपकने लगता है और उनके घर की छत का एक हिस्सा टूट कर गिरने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये छत तो लगता है गिरने वाली है। चलो चलो जल्दी से चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वो सभी घर से बाहर निकल आते हैं। वो बाहर आते ही हैं कि इतने में उनके घर की छत टूट कर गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने ये सब देख वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप हमें समय रहते बाहर ले आए, नहीं तो आज तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाती। लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ हमारा घर आज टूट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। परेशान मत हो शांति, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। लेकिन अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे जी? माँ इतनी बारिश में यहाँ यूँ रुकना ठीक नहीं है, घर की मरम्मत हम बाद में करवा लेंगे, तब तक हम मेरी सहेली अमायरा के घर चलते हैं, उसका घर दूर भी नहीं है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। वो लोग उस तेज बारिश में भीगते हुए अमायरा के घर पहुँचते हैं। अमायरा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उन सब की ऐसी हालत देख उन्हें जल्दी से घर के अंदर ले आती है। अरे आप सब तो बुरी तरह भीग चुके हो और इतनी रात गए यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? प्रिया उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर अमायरा को बहुत दुख होता है। वो प्रिया के मम्मी पापा को गेस्ट रूम में भेज देती है और प्रिया को अपने बेडरूम में ले जाती है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम सबकी जान बच गई, और यही घर की बात तो कुछ समय बाद घर की मरम्मत करवा लेना। ये इतना आसान नहीं है अमायरा, पहले ही बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कर्जा लिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो हर महीने उसकी किश्त भरते हैं। आज भी बाबा छत की मरम्मत करते हुए नीचे गिर गए और उनकी कमर में चोट आ गई। वो भले ही दर्द ना होने का बहाना करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ उनकी कमर में बहुत दर्द है। यहाँ आते हुए भी वो अपनी कमर को पकड़ते हुए चल रहे थे। मैं जानती हूँ वो कभी अपना दर्द नहीं बताएंगे। अब मैं सोच रही हूँ अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जाती तो उन्हें आराम मिल जाता। कह तो तू ठीक रही है, ऐसा कर कल ही तू कहीं इंटरव्यू देने चली जा, क्या पता बात बन जाए। अगले दिन ही प्रिया नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। देखिए अभी आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, और अगर आप नौकरी करना ही चाहती हैं तो पहले आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड पर रहना होगा, लेकिन तब तक हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, 3 महीने के बाद ही देना शुरू करेंगे। लेकिन सर मुझे पैसों की अभी बहुत जरूरत है, क्या अभी आप मुझे सैलरी नहीं दे सकते? नहीं, ये हमारे यहाँ के रूल्स हैं, और आपको इतने ही नीड है पैसों की तो आप कॉल सेंटर में जाकर पता कीजिए, शायद आपको वहाँ काम मिल जाए। वो कॉल सेंटर में नौकरी के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आता और वो वापस आ जाती है। वो जब वहाँ से लौट रही होती है तो फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही,
तभी उसकी नजर एक ठेले पर खड़े भुट्टे वाले पर जाती है। उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, इस भुट्टे वाले की तो अच्छी खासी बिक्री हो रही है, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना मैं भी भुट्टे ही बेचूं। वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश में सबको भुट्टे खाना पसंद होता है और मुझे तो भुट्टे की भेल बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। माँ कहती भी है कि मैं बहुत अच्छी भुट्टो की भेल बना लेती हूँ, लेकिन ये काम शुरू करने के लिए पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। घर आकर सारी बात वो अमायरा को बताती है। अरे तो तू टेंशन क्यों लेती है, काम खोलने के लिए तुझे जो पैसे चाहिए मुझसे ले लेना और जब तेरी कमाई अच्छी होने लगेगी तो लौटा देना। अगले दिन से प्रिया सड़क किनारे गर्मा गर्म भुट्टे और भुट्टे की भेल बेचने लगती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे की भेल ले लो। भुट्टा, मुझे गर्मा गर्म भुट्टा दे दीजिए और मुझे भुट्टा भेल बनाकर दे दीजिए। बचपन में मेरी दादी बनाती थी, अब तो कई साल हो गए इसे खाए हुए। जी ये लीजिए। वाह क्या स्वाद है इस भेल में, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब बारिश में बहुत सारे लोग घूमते फिरते उसके ठेले पर आते हैं और उससे भुट्टे और भेल खरीदने लगते हैं। उसका काम अब बहुत अच्छा चलने लगता है, वो खूब अच्छी कमाई करती है। अब वो कुछ ही महीनों में अपने पिता का सारा कर्जा चुका देती है, साथ ही अपने घर की मरम्मत भी करवा लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। अब वो 2 भुट्टे के ठेले खोल लेती है, जिसमें से एक उसके माँ बाबा संभालते हैं और दूसरे को वो खुद संभालती है। फिर कुछ समय बाद वो अमायरा के पैसे भी लौटा देती है। तो सच में बहुत अच्छी दोस्त है मेरी अमायरा, अगर तूने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने आज हमारा क्या होता। ये बात सुनकर अमायरा मुस्कुरा देती है और प्रिया को गले से लगा लेती है।